राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण जी से, मुझे विद्या लक्ष्मी की प्रार्थना करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे तपस्या भी करनी होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा विद्या लक्ष्मी की तपस्या कर रही होती हैं। और फिर तभी महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी राधा ने जाप आरंभ कर दिया है, अब आप भी शीघ्र उसकी सहायता कीजिए। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, नहीं महादेव, ये सही समय नहीं है, अभी तक राधा में विद्या लक्ष्मी जागृत ही नहीं हुई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती देवी सरस्वती से निवेदन करने के लिए जाती हैं और कहती हैं, देवी सरस्वती राधा आपकी आराधना कर रही है, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। और फिर तभी देवी सरस्वती बताती हैं कि मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ देवी पार्वती, लेकिन इस स्थिति में मैं भी उतनी ही आशाएं हूँ जितनी आप। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वहाँ श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम देवी, कृपा करके मेरा एक आग्रह स्वीकार कीजिए। और फिर तभी देवी सरस्वती कहती हैं, मुझे ज्ञात है श्री कृष्ण कि आप क्या आग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं देवी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, यदि आप मेरी इस परिस्थिति में सहायता कर सकती हैं, बस राधा के भीतर जो विद्या लक्ष्मी शेष है पूर्ण रूप से उसका अंत मत होने दीजिए, अन्यथा ये समस्या और भी अधिक बड़ी हो जाएगी। और फिर तभी देवी सरस्वती कहती हैं, अवश्य श्री कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आ लक्ष्मी देवी सरस्वती को रोकती हैं। और फिर तभी देवी सरस्वती कृष्ण जी से कहती हैं, आ लक्ष्मी के दुष्ट प्रभाव के कारण राधा पर अपना प्रभाव मैं लुप्त होने से रोक नहीं पा रही हूँ मैं। और आगे कहती हैं, श्री कृष्ण राधा की विद्या लक्ष्मी का अंत निकट है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा सब कुछ भूल जाती हैं और कहती हैं, मैं कौन हूँ। और फिर तभी वहाँ आ लक्ष्मी आ जाती हैं और फिर राधा उनसे कहती हैं, कौन हूँ मैं। और फिर तभी आ लक्ष्मी कहती हैं, तुम्हें स्मरण नहीं है कि कौन हो तुम। और कहती हैं, क्या तुम्हें ये भी स्मरण नहीं कि कृष्ण कौन है। और फिर तभी राधा कहती हैं, नहीं मैं नहीं जानती कौन है ये कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, यदि राधा को समय रहते सब कुछ याद नहीं दिलाया तो वो सब कुछ भूल जाएगी। और फिर कहती हैं, देवी सरस्वती सहायता कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आ लक्ष्मी राधा से कहती हैं, कहीं तुम कृष्ण के भांति ठिठोली तो नहीं कर रही, कृष्ण को कैसे भूल सकती हो तुम। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्या कह रही हो, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती और ना ही तुम्हें जानती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा अत्यंत क्रोध में आ जाती हैं, कहती हैं, कौन हूँ मैं, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है मुझे। और फिर तभी राधा देवी माँ से कहती हैं कि आप ही मेरी सहायता कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन हूँ मैं, अब आप ही मुझे उत्तर दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और तभी कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, राधा। और तभी राधा कहती हैं, कौन हो तुम। और फिर कृष्ण जी बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। और फिर तभी राधा कहती हैं, अभी कुछ क्षण पूर्व यहाँ देवी एक आई थी, मुझसे यही प्रश्न पूछ रही थी कि कृष्ण को जानती हो या नहीं, किंतु मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, कौन हो तुम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, ये क्या राधा कृष्ण को नहीं पहचान पा रही, अब तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर तभी देवी सरस्वती कहती हैं, धैर्य रखिए देवी पार्वती, मुझे राधा को स्मरण कराना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी राधा के समक्ष कहते हैं, राधे राधे। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैंने ये शब्द पहले भी सुने हैं, मैं इन शब्दों को जानती हूँ, किंतु मुझे स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। और फिर तभी आप लोग देखेंगे देवी सरस्वती वहाँ प्रकट होती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं, क्या मेरी सहायता करने के लिए आप आई हैं। और कहती हैं, ये कृष्ण कौन है, इस कृष्ण से मेरा क्या संबंध है। और फिर तभी देवी सरस्वती बताती हैं, तुम राधा हो, प्रेम कृष्ण विद्या ये सब तुम्हारी शक्तियों का नाम है, कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही विद्या है, कृष्ण ही वो ढाई अक्षर है राधा,
जिसमें संसार है। और तभी राधा कहती है, नहीं मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, शांत हो जाओ राधे, और बताते हैं मैं कृष्ण हूँ और ये माता सरस्वती है। इन्हीं से विद्या, ढाई अक्षर विद्या से आता है, ढाई अक्षर प्रेम, और इसी से ये बना है कृष्ण का ढाई अक्षर का नाम। ना रहेगी विद्या, ना रहेगा प्रेम, तो ना रहेगा कृष्ण का ये नाम, कृष्ण का अस्तित्व। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण के और देवी सरस्वती के प्रयास से राधा की स्मृतियां वापस आ जाती हैं। और फिर तभी देवी पार्वती राधा में शक्ति का संचार करती हैं। और फिर तभी मित्रों, आप लोग देखेंगे विद्या लक्ष्मी प्रकट होती हैं और कृष्ण की बांसुरी का रंग भी ठीक हो जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण की बांसुरी को उठाती हैं और कहती हैं कृष्ण। और फिर तभी राधा कृष्ण को उनकी बांसुरी देती हैं और फिर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा बांसुरी की धुन को सुन रही होती हैं। और फिर तभी राधा को स्मरण आता है और कहती हैं, कृष्ण मुझे स्मरण हुआ है, मुझे यथाशीघ्र ज्येष्ठा को मिलना होगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे आकर्षमात्र। और फिर राधा कहती, मुझे अनुभव हो रहा है कृष्ण, ये जो कुछ भी हुआ है सभी उसके ही कारण हुआ है, मुझे अपने संदेह को परखना होगा, सत्य मुझे तभी ज्ञात होगा जब मैं ज्येष्ठा से मिलने जाऊंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, बस इतना कहूंगा अब ऐसे सत्य जानने के लिए सज्ज हो जाओ जो तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं राधे। और तभी राधा कहती हैं, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा लक्ष्मी के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं आ गई ज्येष्ठा। और तभी लक्ष्मी कहती हैं, तुम यहाँ, मुझे तो लगा तुम अपने विचारों में खोई हो और तुम यहाँ नहीं आ पाओगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैं कैसे नहीं आती, मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं आपके प्रेमी से मिलने अवश्य आऊंगी। और फिर आगे राधा कहती हैं, अपने प्रेमी से मिलवा के अपना वचन पूर्ण कीजिए। और फिर आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा स्मरण करती हैं। और फिर तभी राधा को ज्ञात हो जाता है कि लक्ष्मी जिसके विषय में बता रही हैं वो कृष्ण ही है, मुझे पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था जब बांसुरी का रंग काला पड़ गया था, क्योंकि मेरे स्पर्श से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और तभी लक्ष्मी कहती हैं, भोली राधा, तुमने ये जानने में अत्यंत विलम्ब कर दिया है। तो मित्रों, ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।